कुंवर जी क्या कहेंगे, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, जगह जगह कैंप आयोजित कर रहे हैं, तो किस तरह से लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं? पार्टी का एक तो मिस कॉल वाला जो नंबर है और दूसरा रेफलर कोड बना हुआ है, जिसके जरिए हम लोग अपना बहुत ही सघन अभियान चला करके गांव-गांव में घूम करके समाज पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता चल रही है। जनपद के समाजवादी पार्टी के भदोही सदर के विधायक जाहिद बेग के घर किशोरी से काम कराने का मामला सामने आया। इसके पहले एक किशोरी ने आत्महत्या की है, मुकदमा कायम हुआ है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर? देखिए, जो सत्य है ये स्वयं प्रकट होता है। वो जिसको पूरा जिला देखा है, प्रदेश देख रहा है और पूरा देश देख रहा है, ये वाकई में देखे के साधु दुकानदार पक्का, ये हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक ज्ञान भदोही जनाब जाहिद बेग साहब का जो चरित्र है वो सामने आ गया है। इस पर हमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि सत्य स्वयं प्रकट होता है और कानून अपना काम कर रहा है। श्रद्धे योगी जी के नेतृत्व में जो पुलिस प्रशासन है, कानून है, वो संविधान के दायरे में काम कर रहा है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जो सही होगा वही आपके सामने आएगा। तीसरी बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार था मेरठ से प्रयागराज, उसे बढ़ा करके वाया भदोही मिर्जापुर बनारस होते हुए बिहार तक किया गया है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सड़कों का जाल पूरी तरह से बिछ रहा है, जिससे विश्व के पैमाने पर देश की प्रगति आगे बढ़े, और प्रगति का सबसे बड़ा रास्ता सड़क ही है। जो इधर विगत मोदी सरकार में बहुत ही व्यापक पैमाने पर गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, और ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये तो बहुत ही इस क्षेत्र के विकास के लिए, देश के विकास में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसके